हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का डबल बॉर्डर किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगी और उसमें फंदे किस तरह से इंक्रीज करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरह का बॉर्डर बनाना है, डबल बॉर्डर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो सिलाइयां आगे करेंगे, एक छोड़ेंगे और दो आगे, एक एक का गैप देके दो दो सिलाइयां इस तरह से आगे कर लेंगे इस तरह से। और गैरिज को जो है 7 नंबर पे सेट कर लेंगे इस तरह से, 7 नंबर पे सेट कर लिया। ये दोनों हुक भी आगे हैं और ये वाले पीछे हैं। स्टार्ट करूंगे। सबसे पहले थोड़ा सा धागा इस तरह साइड से मैंने छोड़ दिया है, फिर इस तरह से इसमें नीडल में रैप करना है ऐसे। ना ज्यादा लूज होना चाहिए और ना ही ज्यादा टाइट। धागे को गैरेज में लगा दिया इस तरह से। यहाँ पे हमने ये हुक लगा लिया है, लगा लेते हैं इस तरह से। और फिर इसमें वेट लगा लेते हैं। अब नीडल को इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमें ध्यान से देख लेना है कि कोई फंदा निकला तो नहीं है। नहीं निकला है। अब हमें पूरे 30 सिलाइयां लगानी है क्योंकि इसको फोल्ड करना है, तो 15 दो रह जाएगी। 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। ये हमारी 30 सिलाइयां कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको वेट को और हुक को हटा लेते हैं। और ये हमें सिंगल वाला ट्रांसफर टूल चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जैसे रोल रोल करके आया हुआ है इसको इस तरह से सबसे पहले लास्ट वाला जो है उसमें डाल देंगे और इसमें भी लास्ट वाली नीडल में। अब जो हमारी खाली नीडल है उनमें डालेंगे और जिसमें है फंदे उसमें नहीं, एक एक वो छोड़ के इस तरह से। इस तरह से अभी मेरे जो छोटी वाली रोड है उसको हम इसमें लगा लेंगे इस तरह से। अब ये पहले मैंने बॉर्डर जो है 7 नंबर पे बनाया क्योंकि ये मोटी ऊन है, और अब इसको मैं 10 नंबर पे बनाऊंगी क्योंकि छोटे बच्चों के लिए थोड़ा लूज लूज ठीक रहता है क्योंकि वो ज्यादा टाइट नहीं होता है और सॉफ्ट भी बनता है। तो उसके लिए पहले मैं अब इसको 10 नंबर पे सेट कर लिया और एक सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। अब मुझे फंदे इंक्रीज करने हैं, 5 फंदे इस साइड से, 5 फंदे इस साइड से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये वाला ट्रांसफर टूल लिया है, यहां से 4 फंदे
निकालूंगी और बीच में फोर फंदों का गैप देके इनको आगे कर दूंगी इस तरह से। और फिर से फोर फंदे निकालूंगी यहां से और इसको ट्रांसफर टूल में लिया। अब यहाँ पे मुझे एक नीडल का गैप, यहाँ पे भी हमने फोर का किया था, अब यहाँ पे एक नीडल का गैप छोड़ा है और थ्री नीडल का गैप इस साइड आ गया है, इस साइड से फोर। और अब इसमें भी एक का छोड़ना है और यहाँ पे टू का हो गया है। इस तरह से हमें एक एक नीडल का गैप छोड़ के इसको इस तरह से कर देना है। इस तरह से ये हमारा वन टू थ्री फोर फंदे जो है बढ़ गए हैं। अब यहां से हम लास्ट के दो फंदे निकालेंगे और उनको आगे वाले में इस तरह से। अब हमारे पास फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। अब फंदा इंक्रीज, यहाँ पे हमें जाली तो डालनी नहीं है, फंदा इंक्रीज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये हमारा पहले वाला फंदा है यहां से हम इसको उठाएंगे और इस फन नीडल में डाल देंगे इसी तरह से। यहाँ पे भी चाहे आप इस साइड से डालो या इस साइड से, जहां से इजी लगता है आपको, इस तरह से दोनों साइड से डाल सकते हो आप, या इस साइड से भी। पर ध्यान रखना जो नीचे वाला फंदा है जो इस नीडल में डला हुआ है वो नहीं, उसके नीचे जो फंदा बन अभी निकल गया है नीडल से नीचे, वो वाला फंदा इस तरह से। सॉरी, यहाँ पे दो का गैप रह गया है। इस तरह से फाइव फंदे हमारे इस साइड से इंक्रीज हो गए हैं और फाइव फंदे हमें इस साइड से इंक्रीज करने हैं। तो यहां से भी हम ऐसे ही करेंगे, ये फोर फंदों का गैप देके इनको इस साइड आगे किया। फिर नेक्स्ट फोर फंदे, अभी हमारे इन दोनों नीडल के बीच में फोर फंदों का गैप है, मतलब बीच में फोर नीडल जो है वो खाली है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक नीडल का गैप कर देंगे इस तरह से। अब इन दोनों के बीच में एक नीडल का गैप है और इन दोनों के बीच में तीन इंच का नीडल गैप है, उसी गैप को हम कम करेंगे, एक एक का कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से तो ये एक एक इंच का, एक एक नीडल का गैप हो गया। अभी हमारे फोर फंदे हुए हैं तो दो हम क्या करेंगे, यहीं पे इंक्रीज कर देंगे, इस फंदे को आगे किया। अब इन चारों के बीच में दो दो इस साइड कर दिए, दो इस साइड, और बीच में एक नीडल का गैप कर दिया। अब यहां से फिर से फंदा उठा के इस तरह से कर देंगे। अब हमारे फंदे इंक्रीज हो गए। अब आपको जो भी डिजाइन डालना हो आप वो डाल के बना सकते हो। मैं इसको भी थोड़ा सा प्लेन बनाऊंगी पहले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।